नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने अगर कैपजेमिनी इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी में अप्लाई नहीं किया है, हाँ दोस्तों कैपजेमिनी साथ ही साथ कैपजेमिनी इंजीनियरिंग अलग अलग है, तो कैपजेमिनी इंजीनियरिंग की साइड से हायरिंग आई है, तो मेक श्योर आप इस पर जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों अभी भी एक्टिव है। तो दोस्तों आज की पहली जॉब अपडेट के बारे में मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो की अपडेट की गई है केपीआईटी की तरफ से। दोस्तों केपीआईटी हायरिंग करने वाली है फ्रेशर्स को 2022 बैच को। दोस्तों आपको पहली बता दूं, जैसे ही केपीआईटी की 2022 की इतनी जल्दी ऑफ कैंपस टाइप आ गई है, मुझे लग रहा है कि अब बाकी कंपनीज भी ऑफ कैंपस 2022 का काफी जल्दी स्टार्ट करने वाली है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आपको रजिस्टर करना है, ओवरऑल टेस्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा, डे वन डे टू के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों आपको सिलेबस बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, रूल्स फॉर द एग्जाम, की टेक अवेज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सो दोस्तों पहले बात करते जॉब डिस्क्रिप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिपार्टमेंट इन केपीआईटी। तो दोस्तों यहां आपको डिफरेंट डोमेन्स में काम करने का मौका मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट में दोस्तों इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस फॉर मोबिलिटी भी मेंशन कर रखा है, पावर ट्रेन मैकेनिकल इंजीनियर्स, व्हीकल्स, मोबिलिटी से रिलेटेड दोस्तों काफी सारे डोमेन्स आप सभी को यहां मिलने वाले हैं। बात करते हैं तो दोस्तों ज्वाइनिंग सीटीसी आपका 4 लाख पर एनम मिलने वाला है। अदर बेनिफिट्स की बात करता हूं तो दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस आपको 6 लाख का मिलने वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए 5 लाख, फॉर पेरेंट्स एंड इन लॉज के लिए भी दोस्तों पेमेंट बेसिस 50% चीप देन मार्केट। तो दोस्तों आपको दोस्तों एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 20 लाख मिलने वाला है। बाकी दोस्तों एलिजिबल ब्रांचेस आप देख सकते हो, सीएस की, बिजनेस स्टडीज की, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर। तो दोस्तों ये सारी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों 10th में आपका टोटल ओवरऑल 60% तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, मैथ्स में आपके 70% या फिर एटलीस्ट 70% होने चाहिए। 12th की बात करते हैं तो दोस्तों टोटल तो 60% आपको पार करना ही है, बट मैथ्स और इंग्लिश में आपका 70 एज वेल एज 50% होना चाहिए। आपका दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है, वो चलने वाला है, बट यहां दोस्तों मैथ्स और इंग्लिश में आपका ज्यादा होना चाहिए। बीटेक की बात करते हैं तो दोस्तों 60% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट आपका दोस्तों 7 सेमेस्टर तक 60% होना चाहिए। 10th की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने बता ही दिया, बाकी ग्रेजुएशन दोस्तों 2022 एलिजिबल होने वाला है। रजिस्ट्रेशन का पेज दोस्तों मैं आपको दिखाई दूंगा, यहाँ इन्होंने यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह सब कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। उससे पहले दोस्तों मैं टेस्ट स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, जो डे वन को 30 अक्टूबर को 2.5 आवर इन टोटल फॉर बोथ सेक्शन आपका जो टेस्ट होने वाला है, जिसमें दोस्तों डे वन में सेक्शन ए में आपसे एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। डे वन में दोस्तों जो सेक्शन बी है उसमें दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग फंडामेंटल, सीएसआईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एज पर योर, दोस्तों यहां आपको अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, सीएसआईटी के हो, तो आपको सीएसआईटी वाला सेक्शन करना है सेलेक्ट। बाकी दोस्तों डे वन में सारे के सारे जितने भी ये 4 है 1 2 4 तक जितने भी पार्ट है आपको सारे अटेंड करने हैं। डे टू की बात करते हैं तो दोस्तों 3 घंटे का टेस्ट होने वाला है। यू आर अलाउड टू लॉग इन द टेस्ट फ्रॉम 6:30 to 7:15 PM ओनली। दोस्तों प्रोग्रामिंग राउंड है, जैसे आप इसके लिए शॉर्टलिस्टेड होते हो, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फर्दर प्रोसेस। डे वन सैंपल क्वेश्चंस, डे वन सेक्शन ए की बात करते हैं, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चंस का जो जितना भी एग्जांपल है कि यहाँ दोस्तों डिफिकल्टी लेवल ऐसी हो सकती है, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। तो एक रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से, सैंपल क्वेश्चंस डे वन सेक्शन बी के, तो यहाँ भी दोस्तों इन्होंने हर एक चीज मेंशन कर रखी है। कंप्यूटर आईटी इंजीनियर के लिए यू शुड एक्सपेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन दी सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्ट पर आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली बेसिस पर केपीआईटी से रिलेटेड काफी चीजें डालने वाले हैं कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपका टेस्ट बहुत ही पास है। साथ ही साथ दोस्तों प्रोग्रामिंग राउंड भी आप देख सकते हो,
प्रोग्रामिंग राउंड में आपको करना क्या है, 3 घंटे का टेस्ट है दोस्तों। कोडिंग का भी इन्होंने सैंपल यहाँ मेंशन कर रखा है। रूल्स फॉर द टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स भी दोस्तों एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हाँ यार, मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हो, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, उसी के बाद इस फॉर्म को ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते समय। और फॉर्म में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन भी कर रखें कि कैसे आपको फॉर्म को बनना है पीडीएफ में। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने हर एक स्टेप बहुत अच्छे से बताया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग केपीआईटी प्रोसेस, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अब मैं आपको आज की सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, जो कि पोस्ट की गई है रॉबर्ट बॉश कंपनी की तरफ से। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2021 बैच एट ईयर 2021 पास आउट बैचेस के लिए है। बीई बीटेक मिनिमम दोस्तों 70% या 7 सीजीपीए आपका होना चाहिए 10th 12th एंड बीई बीटेक में। क्वालिफिकेशन दोस्तों ये सारी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल होने वाली है, साथ ही साथ शुड बी रेडी टू ज्वाइन बाय नवंबर 2021। इफ द अबव पैरामीटर्स आर नॉट मेट, प्लीज डू नॉट रजिस्टर एंड प्लीज डू नॉट रजिस्टर एज दे आर नॉट एलिजिबल। दोस्तों अगर आप अबव क्राइटेरिया को पार नहीं करोगे तो आपके पास एप्लीकेबल फॉर्म भी नहीं आएगा, साथ साथ आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगे। 29th अक्टूबर लास्ट डेट है इसी दोस्तों, केपीआईटी का फॉर्म जितना जल्दी आप फिलअप कर सके कर लीजिएगा। इस फॉर्म पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हो आप एक ये वाले टैब पर आ जाते हो जो आपसे आपकी कैमरा एक्सेस मांगता है। तो दोस्तों अलाउ कर दीजिएगा, मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा, मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये रोल मिलने वाला है, क्राइटेरिया ये मेंशन है ही है। अगर आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी है तो एक बार इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये लोग भी आपको मल्टीपल रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज में, ईआरपी में, सिस्टम टेस्टिंग में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, साथ ही साथ दोस्तों एम्बेडेड डेवलपमेंट में। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, अप्लाई बटन पर क्लिक करके दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो आप सभी को फिलअप करनी है, फुल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, बाकी दोस्तों आपका स्कूल की 12th की परसेंटेज पूछी है, अदर डिटेल्स है, फैमिली डिटेल्स, और दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर इस पर जल्दी से जल्दी अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने में, जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।